जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड पे, आपके शनाख्ती कार्ड पे कितने नंबर रजिस्टर हैं, कितनी सिम रजिस्टर हैं, यू फोन की कितनी है, जैस की कितनी है, टेलीनार की कितनी है, जोन की कितनी है, वार्ड की कितनी हैं, और बाकायदा आपको ये भी बताएगा कि डाटा सिम आपके आईडी कार्ड पर कितने रजिस्टर हैं। ऐसा एक सीक्रेट कमाल का कोड है जिसको दोस्तों अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए ये जानना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है और आपको ये फौरन से बता देगा कि आपके नाम पर इतने सिम्स हैं। यहाँ पर आपको मैं दो तरीके बताऊँगा। एक तरीका तो वो है जो इंटरनेट के बगैर है, यानी कि अगर आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है, कोई भी कीपैड वाला मोबाइल है, उससे भी आप ये जान सकते हैं। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो अगर आपके पास इंटरनेट वाला मोबाइल है, यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ही चंद सेकंड्स के अंदर आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना होगा, गूगल को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र है, गूगल है, क्रोम है, किसी भी ब्राउज़र को आपने ओपन कर लेना, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है सिम इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट आ जाएंगी। जो वेबसाइट आपके सामने सबसे ऊपर आ रही है सिम इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से, आपने इसी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करना है। इसके अलावा किसी और वेबसाइट को यहाँ पर ओपन नहीं करना, ठीक है दोस्तों। तो इस वेबसाइट को दोस्तों आपने ओपन करना। बाज़ औक़ात ये वेबसाइट ओपन नहीं होती, अगर ओपन ना हो तो आपने VPN डाउनलोड कर लेना है। कोई भी आपने VPN डाउनलोड करके प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल करके कनेक्ट कर लेना है और आपकी ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इंशाल्लाह ये ओपन हो जाएगी, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी VPN को इंस्टॉल करने की, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका सिंपल सा यहाँ पे लेआउट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पे एंटर करें, ठीक है जी। यहाँ पे इस जगह पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना। आईडी कार्ड नंबर आपने कुछ इस तरीके से एंटर करना है कि वो जो आईडी कार्ड है उसमें आपने स्पेस वगैरह एंटर नहीं करनी। यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाया हुआ है, तो इसी तरीके से आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है, इसमें स्पेस वगैरह नहीं देनी। तो मैं यहाँ पे एक आईडी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने लिख लिया। और यहाँ पर आपने नीचे चेक लगाना है आई एम नॉट रिबोर्ड का। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर चेक लग जाएगा। इसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है जी। सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखें जी सिम की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पर ये बता रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों, गौर से देखें, यहाँ पर ये बता रहा है कि जैस की जो है वो दो हैं, उसके बाद टेलीनार की दो हैं, यू फोन की एक है, जोन की ज़ीरो है, उसके बाद वारिद की भी ज़ीरो है। टोटल ये पांच सिम्स यहाँ पे बता रहा है। और यहाँ पे डाटा सिम कोई भी रजिस्टर नहीं है, जहाँ पे ये देखें जी ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे टोटल सिम्स की इसने तादाद पांच बता दी। यहाँ पे हमें ये पता लग गया दोस्तों, जैस की जो है वो दो हैं, टेलीनार की दो हैं, यू फोन की एक है, जोन की ज़ीरो है, वारिद की ज़ीरो है। अब दूसरा तरीका है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने 668 पर अपना आई डी कार्ड नंबर लिख के सेंड करना। जैसे ही सेंड करेंगे आपके सामने एक रिप्लाई मैसेज आ जाएगा कि आपके आई डी कार्ड पर कितनी कितनी सिम्स हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो बहुत ही ईजिली आप यहाँ से जान सकते हैं, लेकिन मैसेज के ज़रिए से भी आप वहाँ पे उस तरीके से जान सकते हैं। तो ये दोस्तों ये तरीका था जिससे आप इजीली जो है जान सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड पे कितने सिम रजिस्टर हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो। अगर आप इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स का रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।